जब से एमएसपी आया है, संभवतः 50-51 से आया होगा, तब से एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, आज तक किसी कानून का पार्ट नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। कृषि बिल को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में आपको बताते चले कि भारत सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कृषि बिल के बारे में पूरे चीज़ों को बताया और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। देखिए, पहली बात, अब आपने तो पहला सवाल ऐसा क्रम किया, Would you repeat your first question ताकि मैं जवाब दे सकूं? Why below MSP? Yes. जब से एमएसपी आया है, संभवतः 50-51 से आया होगा, तब से एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, आज तक किसी कानून का पार्ट नहीं हुआ, जबकि कई बार इस संबंध में कई सरकारें आई, क्योंकि एमएसपी प्रशासन के द्वारा हर साल सेंट्रल कैबिनेट तय करती है। इसलिए अब आप मुझे ये बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री एश्योरेंस देता है झूठे प्रचार पर, भारत का कृषि मंत्री सदन में एक बार नहीं 10 बार बोलता है, भारत के रक्षा मंत्री बोलते हैं, भारत का कानून मंत्री बोलता है, आप इस पर विश्वास नहीं? और हमने कैबिनेट में अभी 20 दिन पहले अनाउंस कर दिया, अभी इस बिल के पास होने के बाद पेमेंट शुरू हो गया, तो हमारा आचरण आपको इस बात को दिखाता है। दूसरी बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह कानून यह तय करता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अगर अधिक उसको मिल रहा है तो उसको रोका क्यों जाए, यह इसका कॉन्सेप्ट है। अब जो आपने दूसरी बात बताई थी कि हमारे सहयोगियों के बारे में, हमारे उनके प्रामाणिक अंतर है, वहां कुछ पंजाब की इंटरनल पॉलिटिक्स भी होगी, मैं इस पर कुछ नहीं कहने वाला, और सिब्रत जी ने योग्यता से काम किया सरकार में, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये कानून सीधा नहीं बना, ये ऑर्डिनेंस होकर के आया था, 3 महीने ऑर्डिनेंस था तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, लोकसभा में पारित हुआ तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, जब राज्यसभा में फाड़ा फाड़ी हो गई तब खुराफात शुरू हो गई। एक बात समझिए, बहुत सरल भाषा में बता दूं, आप लोग जानकार हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, जब मंडी होती है तो किसान मंडी के बाहर नहीं बेच सकता, उस मंडी के क्षेत्राधिकार में मंडी शुल्क लगता है, बाकी शुल्क लगता है, तो तुम्हें जो भी फसल है जो दाम हमारे यहां तय होगा उसी पर बेचना पड़ेगा। जब आप कानून से उसको सीमित करते हैं तो हाजीपुर का केला पुणे भी बिक सकता है, वो मुंबई भी जा सकता है, तो आज तक हाजीपुर के केले का जो स्वाद है उसे देश में क्यों नहीं जाना चाहिए? अपनी लीची को पूरे देश में बिना किसी बाधा के क्यों नहीं जाना चाहिए? पार्टी आरजेडी और इस बिल के सारे विरोधियों का पूरा जो दृष्टिकोण है वो झूठ पर आधारित है, और जो काम उन्होंने किया था अपनी सरकार में उसको हम अच्छे प्रकार से कर रहे हैं, किसानों के हितों का समाधान करते हैं। एक वीडियो कल हमारे आईटी सेल के द्वारा दिल्ली से ट्वीट हुआ है, जिसमें 2010 में या 11 में शरद पवार एक बड़े पत्रकार शेखर गुप्ता के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं कि किसानों के लिए क्या क्या करना चाहिए, यही सब बातें उन्होंने कही है। तो मुझे लगा कि ये सारे बैकग्राउंड आपको बता दूं कि इसका पूरा विरोध किसानों के द्वारा नहीं हो रहा है, इसका विरोध राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रहा है विरोधी दलों के द्वारा, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ भी करेंगे तो राहुल गांधी को विरोध करना ही है और कांग्रेस पार्टी, और दूसरा जो कुछ मंडी से जुड़े बिचौलिए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का साफ तौर पर, वो राजद और साथ ही साथ कांग्रेस पर हमलावर हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में
उनके मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी यह चीज़ जारी किया था। जब आज हम मोदी सरकार ने यह लागू किया है तो उन्हें क्या कुछ दिक्कत हो रही है, और वहीं उन्होंने साफ तौर पर राजद को भी घेरने का काम किया है। अब देखने वाली बात होगी कि किसान बिल को लेकर लगातार जो विपक्ष सरकार पर हमलावर है, इसका आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।